नमस्ते आप सभी का एक बार फिर से एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के सौ महत्वपूर्ण एम्स की सीरीज को पिछले दो पार्ट्स में आपको एक से पचास तक प्रश्न मिल चुके हैं पार्ट वन में आपको मिले थे बीस प्रश्न और पार्ट टू में आपको तीस प्रश्न और उनका सॉल्यूशन मिला था आज इस तीसरे पार्ट में कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको पूरे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से हंड्रेड तक जो है वो सॉल्व करवाऊँ और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो लेकिन तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न तो आप अंत तक ज़रूर देखें इनको और अमूमन ऐसे प्रश्नों को ही चूज किया है लिया है इस सीरीज में जो प्रश्न या तो आए हुए हैं या फिर आने की पूरी संभावना है क्लियर तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें नोट्स साथ में बनाते जाएं ताकि बाद में आपको फिर से पूरा वीडियो नहीं देखना पड़े और इसका पी जैसे ही सौ क्वेश्चन पूरे होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पी के फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं क्लियर अगर आप लोग नए हैं पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं आपको कि ये दो पार्ट जो है ऑलरेडी डले हुए हैं पचास प्रश्न हैं इन दोनों पार्ट्स में और पचास आज तीसरे पार्ट में आपको मिलने वाले हैं आप लोग एक चीज़ नहीं करते हैं वीडियो देख लेते हैं कंटेंट पूरा आप कंज्यूम करते हैं मगर एक लाइक आपसे नहीं बनता है इतने खुदगर्ज है आप कि आपका एक लाइक दबाने में आपको जो है बड़ी मशक्क़त बड़ी मेहनत लगती है आपकी तो प्लीज़ मैं आप सभी से यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक किसी न किसी एक साथी के पास इसको शेयर जरूर करें क्लियर चलिए इक्यावनवा प्रश्न है पचासवें प्रश्न को हमने कल पढ़ा था भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी और इसका सही उत्तर था आलम आरा इक्यावनवा प्रश्न है भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस वो भी किस में भारत में कब मनाया जाता है तो आंसर है तीस मई को तीस मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा बावनवा प्रश्न है भारत में आकाशवाणी से दूरदर्शन को कब अलग किया गया पहले क्या हुआ करता था आकाशवाणी और दूरदर्शन एक साथ हुआ करते थे बाद में इसको अलग किया गया ये डेट आपको पूछी गई है और ये डेट है एक अप्रैल उन्नीस सौ छिहत्तर फर्स्ट अप्रैल 1976 को दूरदर्शन और आकाशवाणी अलग अलग हुए उससे पहले उन्नीस की एक अप्रैल से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी एक ही रेल स्टेशन से संचालित होते थे पहले ये अलग अलग सेक्शन नहीं थी क्लियर एक अप्रैल उन्नीस को दूरदर्शन और आकाशवाणी अलग अलग हुए हैं तिरपनवा प्रश्न है संचार अनुभवों की साझेदारी है ये एक कथन है संचार के बारे में ये कथन किसका है बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये और इसका सही उत्तर है विल्बर श्रेम विल्बर श्रेम ने कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है एक समाज में जो लोग रहते हैं वे अपने अनुभव किसी दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें तक शेयर करते हैं यही क्या कहलाता है संचार कहलाता है और जो संचार की प्रक्रिया पूरी कब होती है जब वो व्यक्ति सीखे हुए अनुभवों को या किसी के बताए हुए अनुभवों को अपने जीवन में उतारता है और उसके अनुरूप ही कार्य व्यवहार करता है तो ऑटोमेटिकली इस व्यक्ति को फीडबैक मिल जाता है ये बात कही है विल्बर श्रेम ने यह भी याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण कथन है जिनको आपको जरूर याद रखना चाहिए नेक्स्ट चौपनवा प्रश्न है दूरदर्शन पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है विजुअल यानी कि जो वीडियो फुटेज होता है वो या जो भी कंटेंट दिखाया जाता है ग्राफिक्स के रूप में वो या फिर नेट नेट क्या होता है नेट एक्चुअली जो साउंड इफेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं नेट कहलाते हैं जो उस फुटेज से रिलेटेड दूसरी जो संबंधित ऑडियो क्लिप्स साउंड इफेक्ट्स इत्यादि वो सब क्या कहलाएंगे नेट कहलाएंगे नेट या नेट साउंड कहलाते हैं बाइट किसी व्यक्ति विशेष का मंतव्य व्यक्ति विशेष की राय या उसके संदर्भ में टिप्पणी वो क्या कहलाती है बाइट कहलाती है जिसके बारे में आप जनरली जानते हैं तो ये सभी चीज़ें दूरदर्शन पर खबरों के प्रसारण से जुड़ी हुई है और सभी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्लियर जरूर याद रखिएगा पचपनवा प्रश्न है समाचार का निम्न में से एक ककार नहीं है मैंने कल आपको फाइव डब्ल्यू एंड वन एच के बारे में बताया था ये छह ककार होते हैं समाचार को लिखते समय ध्यान में रखने होते हैं इसमें से कौन सा नहीं है क्या कब कौन और कर्म कर्म नहीं है तो इसका सही उत्तर ही क्या है सॉरी ये यहाँ पे घ छप गया है एक्चुअल में ग है कर्म समाचार का ककार नहीं होता है क्या कब कौन ये समाचार के छह ककारों में से तीन है छप्पनवा प्रश्न है भारत की पहली मूक फिल्म थी पहली फिल्म पहली फिल्म जनरल मूक की थी वो साइलेंट मूक यानी साइलेंट पहली साइलेंट फिल्म कौन सी थी सही उत्तर है राजा हरिश्चंद्र आलमारा के बारे में आपको बताया था कि ये भारत की पहली बोलती फिल्म है क्योंकि सिनेमा भी जनसंचार का एक माध्यम है तो आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत की पहली बोलती फिल्म उसके निर्देशक पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी और पाथेर पांचाली भी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है जिसके बारे में ग्यारहवीं क्लास में एक आ, सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है इसको इसकी मेकिंग को लेकर के नेक्स्ट सत्तावनवा प्रश्न है भारत में इंटरनेट कब से शुरू हुआ भारत में इंटरनेट का आरंभ कब से हुआ तो इसका राइट आंसर है पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ अगस्त उन्नीस को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी पंद्रह अगस्त के दिन से क्लियर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पूछा गया है बहुत बार पीजीटी के एग्जाम्स में रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो ठीक है जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके ठीक है या जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ, साथ, साथ सटीक मुहावरों का भी इस्तेमाल हो जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो ये यहाँ सदों छप गया है शब्दों हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए किसी भी जनसंचार के माध्यम के लिए पहली चीज़ वाचक के लिए जब बोलचाल की भाषा होगी तो आसानी पढ़ने में ऑटोमेटिकली ही होगी क्योंकि वो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है इस फील्ड में तो सही उत्तर क्या है कि जिसमें आम बोलचाल की भाषा हो और साथ, साथ में एग्जैक्ट मुहावरे इस्तेमाल हो इतने ज़्यादा भी नहीं और एक आधा मुहावरा हो जो उसको रोचक बनाए इंटरेस्टिंग बनाए तो ये ध्यान रखना जरूरी होता है रेडियो समाचारों की भाषा के लिए कि उसमें कैसी भाषा होनी चाहिए बोलचाल की भाषा हो प्लस साथ में सटीक मुहावरों का इस्तेमाल भी होना चाहिए आ, नेक्स्ट आपका प्रश्न है किस पत्रकारिता का दूरदर्शन में नया रूप स्टिंग ऑपरेशन है मैंने इसके बारे में आपको कई बार बताया डिटेल में जो आपकी खोज परक पत्रकारिता होती है या खोजी पत्रकारिता होती है उसी का नया रूप दूरदर्शन में दूरदर्शन का मतलब यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स है ना टेलीविजन चैनल्स के लिए स्टिंग ऑपरेशन क्या है खोज पर पत्रकारिता का ही एक नया फॉर्मेट है नया प्रारूप है तो ये ध्यान रखिएगा साठवां प्रश्न टी खबर का वॉइस ओवर लिखते समय उसमें शॉर्ट के मुताबिक जिन ध्वनियों यानी कि प्राकृतिक आवाज़ों के लिए स्थान देना होता है उसे क्या कहते हैं ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वॉइस ओवर वॉइस ओवर देते समय वॉइस ओवर का मतलब वीडियो फुटेज ऑलरेडी पहले से है मगर उसमें उसमें ओरिजिनल साउंड है या उसमें जब रिकॉर्ड किया गया वो साउंड है और हो सकता है कि उस साउंड में बहुत सारी प्रॉब्लम हो बहुत सारी ऐसी अप एंड डाउन्स हो जो वहाँ पे आप आ, टीवी चैनल पे नहीं दिखा सकते तो क्या करते हैं जब खबर बनाई जाती है तो वॉइस ओवर लिखा जाता है एक फुटेज के लिए वॉइस ओवर लिखते समय शॉर्ट के हिसाब से जिन जिन ध्वनियों यानी कि प्राकृतिक आवाज़ों के लिए बीच में स्थान देना ज़रूरी होता है उसे क्या कहते हैं उसे नेट या नेट साउंड कहते हैं लियर। बीच में साउंड इफेक्ट जो डाले जाते हैं वो नेट साउंड है नेक्स्ट इकसठवा प्रश्न ने, इंटरनेट का प्रथम बार प्रयोग कब और कहां हुआ था इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन राइट है 1969 में अमेरिका में इंटरनेट का पहली बार प्रयोग हुआ था 1969 में अमेरिका में इंटरनेट का प्रयोग किया गया था पहली बार बासठवा प्रश्न पाठक किस प्रश्न को पढ़कर अपनी अवधारणा बनाते हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए कोई भी पाठक किसी समाचार पत्र को पढ़कर उस समाचार पत्र के लिए कोई एक धारणा बनाते हैं कि ये इस तरीके का समाचार पत्र है तो वो किस प्रश्न को पढ़ के धारणा बनाई जाती है क्या समाचार पत्र के समाचारों के द्वारा ऐसी धारणा बनाई जाती है नहीं क्योंकि समाचार जो होते हैं वो तो जनरली एक जैसे ही आपको सभी समाचार पत्रों में देखने को मिलेंगे संपादकीय के द्वारा एग्जैक्ट संपादकीय किसी अखबार की आत्मा कही जाती है किसी अखबार को या उसकी अवधारणा को समझना है तो आपको संपादकीय पृष्ठ देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस तरीके का अखबार है साज सज्जा से आपको पता नहीं चलेगा विज्ञापनों से तो कोई पता नहीं चलेगा तो समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ को पढ़कर आप उस समाचार पत्र के लिए कोई अवधारणा बना सकते हैं या फिर ये कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये समाचार पत्र जो है किस कॉन्सेप्ट काम कर रहा है मजदूर हित है किसान हित है कॉरपोरेट के लिए काम करने वाला है या किसी पार्टी विशेष के लिए काम करने वाला है ये आपको के प्रश्न पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट तिरसठवा प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्यों क्योंकि इसमें न केवल खबरों का संप्रेषण पुष्टि सत्यापन होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है ये एक बड़ी चीज़ है इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में विशेषता के रूप में कि इंटरनेट पत्रकारिता में आप ऑडियो फॉर्मेट में भी जर्नलिज्म कर सकते हैं वहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में भी कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं तीनों प्रारूप वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है प्लस साथ ही साथ आपको कोई भी चीज़ त्वरित प्रभाव से मिल जाती है मैंने जैसे ही एक पोस्ट लिखी उसको पब्लिक किया वो ख़बर आपके सामने होगी और यही चीज़ अखबारों में अगले दिन तक आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या ख़बर है और किस तरीके से वो लोगों के सामने आ रही है इंटरनेट पत्रकारिता में आपके पास त्वरित प्रभाव से खबर पहुंच जाती है पुष्टि हो जाती है उसका सत्यापन हो जाता है खबर का संप्रेषण बहुत आसान है और खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है ये इंटरनेट पत्रिका की पत्रकारिता की खासियत है नेक्स्ट चौसठवा प्रश्न है किस पत्रकारिता का मुख्य दायित्व तो सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है ये प्रश्न ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है एक्सप्लेन किया जा चुका है वॉचडॉग पत्रकारिता होती है जो क्या करती है आपके सरकार के कामकाज पर निग, निग, निगाह रखती है निगरानी रखती है और देखती है कि काम कैसे हो रहा है किस तरीके से हो रहा है क्या जैसा बताया गया था उसी तरीके से हो रहा है जो एस्टिमेट दिए गए उन्हीं के हिसाब से कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये वॉचडॉग पत्रकारिता का काम है खोज पत्रकार पत्रकारिता के बारे में आपको बता दिया है एडवोकेसी पत्रकारिता क्या करती है एडवोकेसी पत्रकारिता एक तरीके से पक्षधर पत्रकारिता है और वो एक विशेष संदर्भ में किसी एक या ये कह सकते हैं कि अवधारणा का कॉन्सेप्ट का विचारधारा का पक्ष बनाने का काम करती है उसे एडवोकेसी जर्नलिज्म कहा जाता है नेक्स्ट पैंसठवा प्रश्न है छह ककारों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया फाइव डब्ल्यू वन एच का जो पत्रकारिता में इस्तेमाल होता है छह ककार का सिद्धांत जिससे कि एक खबर पूरी बनती है वो सिद्धांत किसने दिया वो सिद्धांत दिया गया है यूडियार्ड किपलिंग के द्वारा रूडियार्ड किपलिंग ने छह ककारों का सिद्धांत दिया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी जरूर याद रखें किपलिंग का नाम जरूर याद रखें छह ककारों का सिद्धांत पत्रकारिता में किपलिंग ने ही दिया था नेक्स्ट छियासठवा प्रश्न है प्रथम समाचार पत्र द रिलेशन जो कि जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था दो प्रश्न बन गए प्रथम समाचार पत्र कौन सा है द रिलेशन है लैंग्वेज कौन सी है जर्मन और तीसरा प्रश्न जो यहाँ पूछा गया कब प्रकाशित हुआ तो ये प्रकाशित हुआ था 1605 ईस्वी में ये पहला समाचार पत्र है जो कि कौन सी लैंग्वेज में छपा है जर्मन भाषा में जर्मन लैंग्वेज में छपा है और इसका नाम है द रिलेशन तो ये ज़रूर याद रखिएगा सिक्सटी सेवन क्वेश्चन भारत में स्वतंत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना किस देसी रियासत ने की थी एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने अपना एक स्वतंत्र रूप से रेडियो स्टेशन बनाया था कौन सी रियासत थी मैसूर रियासत बाद में दूसरी रियासतों ने भी बनाए लेकिन सबसे पहले स्वतंत्र रेडियो की स्थापना एक रियासत जिसको जिससे जो मैसूर रियासत के नाम से प्रसिद्ध है उसने अपना खुद का प्राइवेट रेडियो स्टेशन बनाया था स्वतंत्र रेडियो स्टेशन क्लियर ये याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक मुद्रण कला यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार कौन थे नाम जरूर याद रखिएगा जोहानस गुटेनबर्ग कुछ जगह पे जोहान गुटेनबर्ग आता है कुछ जगह पे जोहानस गुटेनबर्ग आता है जो आपको ऑप्शन में दिखे वही आपको मार्क करना है नेक्स्ट सिक्सटी क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रेस दिवस ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है कौन से दिन को मनाया जाता है सोलह नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस सोलह नवंबर को मनाया जाता है पीछे एक प्रश्न आया था तीस मई के संदर्भ में था यहां पर भी आपको दिख रहा है ऑप्शन मई हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है ठीक है ये ध्यान रखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है सोलह नवंबर के दिन ये अच्छे से दिमाग में बिठाइए दोनों डेट्स को और उनके नाम को सत्तरवा प्रश्न है वैसे इस प्रश्न के बारे में डिटेल से आपको बता दिया है एक पूरा वीडियो है संपादकीय प्रश्न के बारे में और संपादक के कार्य और उनकी जो उत्तरदायित्व है उनके बारे में संपादकीय पृष्ठ किसे कहते हैं कौन सा पृष्ठ होता है जिसको आप संपादकीय पृष्ठ कहते हैं अखबार के लगभग ठीक बीच में एक पेज होता है जिसमें बहुत सारे स्तंभ लेख छपते हैं विशेष लेख छपते हैं और संपादक के नाम जो भी पत्र आते हैं उन पत्रों को कई बार संपादक छापते हैं अखबार के प्रति जो लोगों का फीडबैक है वो भी कई बार छापते हैं और जनता के नाम कोई भी व्याख्यान होता है पाठकों का ही या किसी एक्सपर्ट व्यक्ति का वो वहाँ पे लेख के माध्यम से आर्टिकल्स के माध्यम से छापे जाते हैं उसे क्या बोला जाता है उसे संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है और संपादकीय पृष्ठ को अखबार की आत्मा कहा जाता है अखबार की अवधारणा को समझने के लिए आपको संपादक संपादकीय पृष्ठ से पूरी तरीके से जो है साफ साफ चिन्ह मिल जाते हैं कि अखबार किस तरह की विचारधारा वाला है नेक्स्ट इकहत्तरवा प्रश्न ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी 1936 में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी ये डेट साल जो है जरूर याद रखिएगा यहाँ पर बहत्तरवें प्रश्न में कुछ पत्रकारों के नाम दिए गए हैं हालांकि है तो सभी महत्वपूर्ण मगर जो आप चैप्टर पढ़ेंगे ये फर्स्ट वाला चैप्टर जनसंचार और जनसंचार के माध्यम इसमें कैटेगराइजेशन किया गया है स्वतंत्रता के पहले के पत्रकार स्वतंत्रता के समय के पत्रकार और आजादी के पश्चात के पत्रकार आज़ादी के बाद के पत्रकार उन पत्रकारों की श्रेणियों से ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन आज़ादी के बाद का एक प्रमुख पत्रकार है तो बाकी जो नाम हैं वो लगभग आज़ादी के समय में एक्टिव रहे हैं या आज़ादी से पहले एक्टिव रहे हैं धर्मवीर भारती जो हैं बाद के पत्रकार हैं आज़ाद देश आज़ाद हो गया उसके बाद इनकी पत्रकारिता की पारी जो है उसकी शुरुआत होती है तिहत्तरवा प्रश्न संपादक का कार्य नहीं है क्या काम नहीं करता है क्या समाचार पत्र समाचारों को एकत्रित करता है जी नहीं तो इसका मतलब यही आंसर है इसका संपादक का कार्य क्या नहीं है संपादक क्या क्या कार्य करता है ये भी इस प्रश्न से निकल के आ जाता है समाचार की भाषा शैली का निरीक्षण करता है कि वो व्यवस्थित है पढ़ने योग्य है या उसमें कहीं ज़्यादा बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया सेंटेंस बहुत लंबे चौड़े तो नहीं है ये निर्धारित करता है और समाचारों को किस वरीयता में स्टंट करना है रखना है ये भी वो तय करता है समाचारों में कोई भी अशुद्धियाँ उनको दूर करना है चाहे वो टेक्निकल हो या फिर ग्रामरिटिकल हो उनकी अशुद्धियों को दूर करने का काम कौन करता है समाचार संपादक करता है नेक्स्ट चौथा प्रश्न ये वैसे बता दिया जा चुका है इन्फोटेनमेंट क्या है इन्फोटेनमेंट पत्रकारिता किसे कहते हैं सूचना और मनोरंजन ये दोनों जब मिलाए जाते हैं तो बनता है सूचना रंजन जिसमें कुछ जानकारी भी हो और वो जानकारी मनोरंजनात्मक तरीके से दी गई हो इसी को इन्फोटेनमेंट या सूचना रंजन कहते हैं कन्फ्यूज मत होना कि ये मिसप्रिंट है मिसप्रिंट नहीं है सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट मतलब कि मनोरंजन इन दोनों को मिला करके जर्नलिज्म में एक शब्द बनाया गया है इन्फोटेनमेंट या सूचना रंजन सूचना प्लस मनोरंजन ये दोनों मिला के नया शब्द बना सूचना रंजन या इन्फोटेनमेंट इसी को क्या बोलते हैं पत्रकारिता में एक नई शैली की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई सूचना मनोरंजनात्मक तरीके से प्रदान की जाती है नेक्स्ट पिचहत्तरवा प्रश्न है किस पत्रिका का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है यहाँ चार पत्रिकाएं दी गई नवजीवन जिसका संबंध गांधी जी से है यंग इंडिया का भी है इंडियन ओपिनियन का भी है लीडर जो है उसका संबंध गांधी जी से नहीं है तो राइट आंसर हो गया ख लीडर का संबंध गांधी जी से नहीं है नेक्स्ट चेतरा प्रश्न किस पत्रकारिता में टीवी के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है ये प्रश्न फिर से अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है अलग अलग रूपों में आ रहा है लैंग्वेज बदल बदल के आ रहा है वॉच पत्रकारिता में स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है या फिर खोज परक पत्रकारिता में किया जाता है ये दो ऑप्शन है किस पत्रकारिता में टीवी के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है देखो स्टिंग ऑपरेशन सीधा सीधा सा है खोज परक पत्रकारिता का यहां पर जो दिया गया ऑप्शन है वो भाई मिस्टेक गलत है ठीक है वॉच डॉग पत्रकारिता क्या करती है स्टिंग ऑपरेशन की तरह तो बिहेव करती है मगर उसके खुलासे वो नहीं करती वो सिर्फ क्या करती है ये चेक करती है वॉच डॉग पत्रकारिता कि जो फॉर्मेट जो प्रारूप या फिर किसी काम को होने का जो एस्टिमेट दिया गया है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका नेक्स्ट स्टेप है खोज पत्रकारिता जहाँ पर कोई भी सनसनीखेज समाचार को या फिर कोई भी घपलेबाजी वाली न्यूज़ को या कोई भी स्कैम वाली न्यूज़ को उजागर किया जाता है लोगों के सामने एक्सपोज किया जाता है तो स्टिंग ऑपरेशन खोज परक पत्रकारिता का एक हिस्सा है नेक्स्ट सतहत्तरवा प्रश्न ये ऑप्शन बाई मिस्टेक गलत छप गया है ध्यान रखिएगा सतहत्तरवा प्रश्न फीचर लेखन की विधा मानी जाती है फीचर लेखन क्या होता है समस्या प्रधान होता है पात्र प्रधान होता है व्यक्ति प्रधान होता है या विषय प्रधान होता है तो राइट आंसर है इसका विषय प्रधान एक विषय के इर्द गिर्द ही फीचर लेखक जो है वो घूमता रहता है बस उस बात को एक्सप्लेन करना उस बात की कड़ी खोलना उस बात के पेज को खोलना वही फीचर लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट अठहत्तरवा प्रश्न है रेडियो में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है रेडियो की लैंग्वेज अपने आप में विशिष्ट होती है ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसमें हमेशा बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल होता है मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि बोलचाल की भाषा में जो लोग जैसे मान लीजिए सड़क के किनारे दो लोग आपस में बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो गालियां दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को तो वैसी भाषा नहीं सभ्य बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल रेडियो में किया जाता है क्यों किया जाता है इसके पीछे भी कारण मैंने बताया कि जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उन सब के लिए सरल से सरल भाषा का प्लस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कुछ मुहावरे इत्यादि का इस्तेमाल वो भी सटीक होने चाहिए द्विअर्थी मुहावरों का इस्तेमाल किसी भी जनसंचार माध्यम के लिए नहीं किया जाता है और भाषा को बहुत ज़्यादा तत्सम संस्कृत निष्ठ या बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं बनाया जाता है किसी भी जनसंचार माध्यम के लिए और रेडियो तो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ भाषा पर ही टिका हुआ है बोली पर ही टिका हुआ है जो बोला जा रहा है वो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में कोई कोई पिक्चर फ्रेम क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है इसी से उसके श्रोताओं की कनेक्टिविटी है उसका लिस्नर इसी वजह से जुड़ा है क्योंकि उसको जो भी सुनाई दे रहा है वो उसके दिमाग में श्रोता के दिमाग में लिस्नर के दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है और वही उसके लिए मनोरंजन प्रदान करता है तो रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए आम बोलचाल की सभ्य भाषा होनी चाहिए नेक्स्ट सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन पत्रकारिता का भविष्य किस बात पर आधारित बताया गया है पत्रकारिता का भविष्य संपादकों की ईमानदारी उसकी उनकी सत्यनिष्ठा और स्वाधीनता की भावना पर निर्धारित है और निर्भर है आप ये बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी अखबार कोई भी टीवी चैनल जब तक उसकी सत्यनिष्ठा जब तक उसकी स्वाधीनता जब तक उसकी ईमानदारी जिंदा है तभी तक सही से न्यूज़ फ्रेम करके आपको दिखाता है उसके बाद सब कुछ डॉक्टरेट होता है उसके बाद सब कुछ पीआर होता है क्लियर उसके बाद एक तरीके का वो एडवर्टाइज करने वाला ही हो गया जब कोई भी पत्रकारिता का संस्थान अपनी स्वाधीनता बेच देता है सत्यनिष्ठा बेच देता है ईमानदारी बेच देता है तो उसके बाद लोग उस टी चैनल पर या अखबार पर विश्वास नहीं करते उसे सिर्फ एक तोते की तरह लोग जो है लेते हैं आम जनजीवन में नेक्स्ट एटीनथ क्वेश्चन अस्सीवा सवाल है हेडलाइन का मतलब क्या है हेडलाइन क्या होती है एक चीज़ ध्यान में रखिएगा हेडिंग और हेडलाइन में डिफरेंस है हेडिंग कोई भी समाचार होगा उसकी जो मुख्य पंक्ति होगी वो हेडिंग होगी हेडलाइन का मतलब क्या है कि कोई भी अखबार होगा उसकी जो सबसे प्रमुख खबर है जो मुख्य पृष्ठ पे छपती है सबसे बड़े फ्रंट साइज में छपती है वही क्या है हेडलाइन कहलाती है। हेडिंग और हेडलाइन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं हेडलाइन अखबार के मुख्य पृष्ठ की मुख्य पंक्ति होती है अखबार के मुख्य पृष्ठ की मुख्य पंक्ति मतलब प्रथम पंक्ति जो कि सबसे बड़े अक्षरों में होती है क्योंकि बड़े अक्षरों में इसलिए क्योंकि उसको हाईलाइट किया जाता है हेडलाइन के तौर पे और हेडिंग हर समाचार की अपनी एक हेडिंग होती है क्लियर तो ये अच्छे से दिमाग में बिठाना ये छोटा सा कन्फ्यूजन आपके सवाल को गलत करवा सकता है इक्यासीवा प्रश्न लोकमान्य तिलक द्वारा संपादित संपादित पत्रिका कौन सी थी केसरी का नाम सुना होगा आपने लोकमान्य तिलक के द्वारा संपादित पत्रिका थी नेक्स्ट बयासीवा प्रश्न इंट्रो शब्द किसका संक्षिप्त रूप है इंट्रो। जब आपको उल्टा पिरामिड शैली बताई जा रही थी तब आपको बताया था कि उल्टा पिरामिड शैली में तीन चीजें होती है ए बी और सी सबसे पहले जो होती है वही क्या कहलाती है इंट्रो कहलाती है इंट्रो का मतलब क्या होता है इंट्रोडक्शन या फिर यह दूसरा इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या है किसी भी समाचार का मुख्य शीर्षक नेक्स्ट त्यासीवा प्रश्न एक चित्र कितने शब्दों के बराबर होता है देखिए वैसे तो ये जो क्वेश्चन बनाए इसका फ्रेमिंग ठीक नहीं है ये एक उक्ति है जो जनरली जर्नलिज्म में इस्तेमाल की जाती है कि एक पिक्चर हजारों शब्दों के बराबर होती है और ये उक्ति याद दिलवाने के लिए प्रश्न डाला गया है कि एक पिक्चर एक चित्र लगभग हजार शब्दों के बराबर होता है ऐसा नहीं है कि हजार शब्दों के बराबर है ही होता है उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं मगर ये उक्ति के रूप में प्रसिद्ध है पत्रकारिता में जिसको आपको इस तरीके से समझना चाहिए जी अगला प्रश्न है चौरासीवा प्रश्न विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है विज्ञापन की भाषा कैसी होती है विज्ञापन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सूचनाएं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना और मैक्सिमम लोगों तक उसकी पहुंच कैसे हो सकती है जब वो व्यवहारिक भाषा का इस्तेमाल करेगा आम बोलचाल वाली भाषा अलग हो गई आम बोलचाल की भाषा भी व्यवहारिक ही होती है मगर बोलचाल की भाषा एक का वहाँ पर एक बाउंडेशन आ जाता है वहाँ पर आप माध्यम को शिफ्ट नहीं कर सकते मगर जो विज्ञापन की भाषा होती है व्यवहारिक भाषा जो कि जनरली हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द और हो सकता है कि मैं स्थानीय भाषा के स्थानीय बोलियों के शब्द उसमें इस्तेमाल करता रहूँ चलूँ वो एक व्यवहारिक भाषा है समझाने के लिए किसी को तो वैसी भाषा का प्रयोग विज्ञापनों में किया जाता है क्लियर तो व्यवहारिक भाषा विज्ञापन में इस्तेमाल की जाती है जब विज्ञापन लिखने का काम मैं करता था तो उस समय भी हमें इसके बारे में सबसे ज़्यादा टेक्निकली सिखाया जाता था कि व्यवहारिक भाषा का इस्तेमाल आप कैसे करें जो भी स्थानीय बोलियां हैं या विज्ञापन या फिर उस प्रोडक्ट का सर्कुलेशन जहाँ जहाँ है उससे संबंधित या जहाँ सर्कुलेशन बढ़ाना चाहते हैं वहाँ के स्थानीय शब्दों का प्रयोग किसी विज्ञापन को लिखते समय अवश्य करना चाहिए ऐसा टेक्निकली सिखाया जाता है जब कोई विज्ञापन लेखन सीखता है तब नेक्स्ट पिचासीवा प्रश्न ध्यान रखिए व्यवहारिक भाषा है व्यवहारिक भाषा में आप जो है मीडियम शिफ्ट कर सकते हैं आम बोलचाल की भाषा ऐसी होती है जहाँ पर क्षेत्रीयता का प्रभाव ज़्यादा रहेगा है ना वहाँ पर एक बाउंडेशन रहेगा आपके पास लेकिन व्यवहारिक भाषा में कोई बाउंडेशन नहीं है वहाँ अंग्रेजी में बोलते बोलते आप आ, कोई हो सकता है क्षेत्र विशेष की बोली भाषा का शब्द इस्तेमाल कर लो या फिर हो सकता है कोई हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर लो मे भी हो सकता है कि आप संस्कृत का कोई शब्द इस्तेमाल कर लो जो कि व्यवहारिक रूप से वहाँ प्रचलित है नेक्स्ट पचासीवा प्रश्न भारत में सबसे पहला टेलीविजन समाचार बुलेटिन कब प्रकाशित प्रसारित हुआ था प्रसारित हुआ देखिए जो भी न्यूज़ वगैरह होती है वीडियो फॉर्मेट में वो प्रसारित होती है और टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी आता है प्रिंटेड वो प्रकाशित होता है ये ध्यान रखिएगा ये दो वर्ड है जो कि इस विशिष्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जर्नलिज्म में नेक्स्ट है इसका आंसर है पहला समाचार बुलेटिन भारत में पंद्रह अगस्त उन्नीस को जो है प्रसारित हुआ था नेक्स्ट छियासीवा प्रश्न है समाचार की प्रारंभिक पंक्ति या पंक्तियाँ क्या कहलाती है इंट्रो कहलाती है अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये प्रश्न आया था बस ये लैंग्वेज बदल बदल के आ रहे हैं तो आप ये ध्यान में ज़रूर रखें इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि प्रश्न जो है वो अपनी लैंग्वेज बदल के आ सकता है हो सकता है इसको ज़्यादा टफ बनाया जा सके हो सकता है इंट्रो की जगह मुखड़ा बोल दे वो अब आप क्योंकि मैंने मुखड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है तो हो सकता है वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगी इंट्रो बार बार कहा जा रहा था मुखड़ा तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया तो ऐसा वर्ड ध्यान में जरूर रखें अपने कॉमन सेंस से इसका आंसर निकालें समाचार की प्रारंभिक पंक्ति या पंक्तियाँ क्या कहलाती है पहला पैराग्राफ जो होता है उसको इंट्रो बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली में ऐसा ये जो ए पार्ट मैंने बताया यही इंट्रो है नेक्स्ट सतासीवा प्रश्न है फीचर में शब्दों की कमी की पूर्ति कैसे की जाती है छायाकारी से आपने देखा होगा कुछ इलस्ट्रेशन किए जाते हैं फीचर के साथ में उदाहरण के लिए आप कोई भी साहित्यिक पत्रिका देखेंगे तो एक कहानी के या कविता के साथ साथ में कुछ इलेस्ट्रेशन किया हुआ मिलता है कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ मिलेगा आपको ना कुछ अतरंगी पतरंगी कुछ ऐसी आकृतियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो कहलाती है छायाकारी जिसको अंग्रेजी में एलिस्ट्रेशन बोलते हैं तो फीचर में शब्दों की कमी की पूर्ति किससे की जाती है एलस्ट्रेशन से की जाती है ताकि लोग जो है उसको अपने 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 नजरिए से समझ लें उसका अर्थ निकाल लें नेक्स्ट अठासीवा प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है संपादक के लेखन के लिए आप निम्न बातों में से किसे वरीयता देते हैं अतिवादी लेखन आलोचनात्मक लेखन स्वच्छंद निर्भीक युक्त लेखन या समाचार पत्र के आत्मा और व्यक्तित्व को ओजस्वी रूप में प्रकट करने वाला चिंतन हमेशा ध्यान रखना संपादकीय लेखन जो होता है संपादक की कलम से जो भी प्रकाशित होता है वो चिंतन परक होना चाहिए ब्रेन स्टोमिंग करने वाला होना चाहिए मस्तिष्क उद्वेलन करने वाला होना चाहिए जितने भी उसके पाठक हैं उन पाठकों के दिमाग में एक कौंद पैदा करने वाला होना चाहिए ताकि पाठक कुछ विचार करे कुछ चिंतन मनन करे और उसके बाद एक जनमत तैयार होता है अगर वो अपना व्यू अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने उस सम्पादकीय लेखन में थोप देता है तो उसको एक्सेप्ट करने वाले लोगों की संख्या कम होगी रिजेक्ट करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी ऐसी स्थिति में जनमत तैयार नहीं होता है तो जनमत तैयार करने के लिए ही संपादकीय लेखन किया जाता है संपादक की कलम चलती है जनमत तैयार करने के लिए ही या एक कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए अच्छे तरीके से समझाने के लिए अच्छे तरीके से उसके बारे में समाज में बातचीत शुरू करने के लिए संपादक जो है वो अपनी लेखनी चलाता है तो समाचार पत्र की आत्मा और उसके व्यक्तित्व को ओजस्वी रूप में प्रकट करने वाला चिंतन परक लेखक लेखन होता है संपादकीय लेखन क्लियर ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट एटी नाइन्थ क्वेश्चन किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्य ध्यान से सुनिएगा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों सूचनाओं आंकड़ों की गहरी छानबीन करके उसके आधार पर किसी घटना समस्या या मुद्दे से जुड़े पहलुओं को सामने लाया जाता है और वो भी विस्तार से ठीक है ये वर्ड भी साथ में जोड़ लेना क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब जुड़ती है तो विस्तार ऑटोमेटिकली बन जाता है ये कहाँ होता है ये होता है इनडेप्थ रिपोर्ट में इनडेप्थ रिपोर्ट में ऐसा किया जाता है सार्वजनिक तौर पर जो भी तथ्य उपलब्ध है उन तथ्यों सूचनाओं आंकड़ों को अच्छे से जांच परख करके उसके आधार पर किसी घटना समस्या या मुद्दे से जुड़े हुए पहलुओं को सामने लाया जाता है इसका एक नेक्स्ट वर्जन क्या है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट विश्लेषणात्मक रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जहां पे तथ्यों के सूक्ष्मतम पक्ष को बड़ी बारीकी से विस्तार के साथ समझाते हुए रखा जाता है ये ध्यान रखिएगा दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों सूचनाओं और आंकड़ों की जान अच्छे से छानबीन करके जानकारी जुटा करके उसके आधार पे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना इनडेप्थ रिपोर्ट है इनडेफ गहराई में उतर के आंकड़ों को जांचना परखना पर तथ्यों को सूचनाओं को जांचना परखना पर इनडेप्थ रिपोर्ट रिपोर्ट है और विश्लेषण के साथ में सूक्ष्मतम पक्षों को उभारते हुए उसको विस्तार से बताना यह होता ही विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की खासियत क्लियर तो ये दोनों आप दिमाग में जरूर रखिएगा नेक्स्ट नाइनटींथ क्वेश्चन है किस लेखन में नए लेखकों को मौका नहीं मिलता है स्तंभ लेखन में जनरली बिल्कुल नए और अनाड़ी जो लोग होते हैं लेखन के क्षेत्र में उनको मौका नहीं मिलता है बाकी आलेख फ्यूचर इत्यादि में विशेष रिपोर्ट लेखन इत्यादि में जो है उनमें चांस मिलता है अगर वो एक्सपर्टीज रखते हैं या उस संदर्भ में काफ़ी अच्छी योग्यता रखते हैं तो अदरवाइज स्तंभ लेखन के लिए किसी गहरे समझदार और उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर चुके एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है स्तंभ लेखन बताया था मैंने आपको कि एक ये विशिष्ट लेखन होता है और इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक्सपर्टीज है किसी फील्ड विशेष में उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है वो स्तंभ लेखन के श्रेणी में आता है क्लियर नेक्स्ट नाइन्टी वंथ क्वेश्चन कौन नाटक का भाग नहीं है दृश्य कथा वस्तु संवाद या वॉइस ओवर वॉइस ओवर नाटक का भाग नहीं होता है क्योंकि नाटक लाइव खेला जाता है मंच पे और वहाँ पर जनरली डायलॉग जो है आपस में ही दो चरित्र बोल के निपटा लेते हैं क्लियर नेक्स्ट नाइन्टी फिफ्थ क्वेश्चन रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है रिपोर्टाज कौन सी भाषा का शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जरूर याद रखिएगा रिपोर्टाज से बनती है रिपोर्ट ठीक है रिपोर्ट और स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में ये रपट के रूप में भी जानी पहचानी जाती है नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन आकाशवाणी को समाचार प्रमुख रूप में किससे प्राप्त होता है किससे समाचार एजेंसियों से भारत में बहुत सारी समाचार एजेंसियां हैं जो आकाशवाणी इत्यादि को समाचार मुहैया करवाती हैं जो भी सरकारी चैनल हैं उनको ये एजेंसियाँ समाचार एजेंसियाँ क्या करती है समाचार मुहैया करवाती है अब एक दो एजेंसियों के नाम बता देता हूँ ए एन आई एक प्रमुख समाचार एजेंसी है पी टी आई एक प्रमुख समाचार एजेंसी है ऐसी कई सारी समाचार एजेंसियाँ हैं जो आकाशवाणी और दूसरे सरकारी संस्थानों को समाचार मुहैया करवाती है नेक्स्ट नाइन्टी सेवेंथ क्वेश्चन पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार है खोजी पत्रकारिता बिल्कुल करेक्ट है विशेषीकृत पत्रकारिता बिल्कुल है वॉचडॉग पत्रकारिता बिल्कुल है तो ये सभी क्या है पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार है नाइन्टी एट्थ क्वेश्चन संचार की प्रक्रिया कैसी है एक मार्गी होती है द्विमार्गी होती है बहुमार्गी होती है या फिर इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो संचार की प्रक्रिया द्विमार्गी प्रक्रिया है इस तरीके से ये काम करती है मतलब आप कोई भी सूचना ए नाम का व्यक्ति कोई सूचना बी को देगा तो बी वाला व्यक्ति फीडबैक के रूप में ए तक कुछ न कुछ पहुंचाएगा इस तरीके से संचार की प्रक्रिया पूरी होती है द्विमार्गी प्रक्रिया मानी जाती है संचार की प्रक्रिया को तो इस तरीके से मित्रों आपके लगभग सौ प्रश्न पूरे हुए और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है जो अपनी लैंग्वेज बदल बदल के परीक्षाओं में आते हैं इस फर्स्ट यूनिट की इसमें ध्यान रखना मैंने सिर्फ फर्स्ट यूनिट को ही कवर किया है आप ये मत बिठा लेना कि पूरी किताब के हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है ये सौ एम सी क्यू सिर्फ फर्स्ट यूनिट के हैं क्लियर जनसंचार और जनसंचार के माध्यम वाली यूनिट के हैं जो कि ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाई जाती है फर्स्ट यूनिट और अगले वीडियोज में इसी किताब के दूसरी यूनिट या तीसरी यूनिट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही मिलेंगे और अंत में हम कोशिश करेंगे कि इन सभी क्वेश्चन में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग ऐसे प्रश्नों को हम छांटने की कोशिश करेंगे आप और हम और उनका एक सेपरेट वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वाले पूरे सौ एम का जो पीडीएफ है वो मैं आपको हमारे टेली टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखें उनको मेरे हिसाब से बराबर सूचनाएं मिलती जा रही है जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होती है वहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं वो उसका लिंक भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा कहीं ना कहीं जाके चेक कीजिएगा और आपसे एक चीज़ की बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कंटेंट ऑलरेडी डला हुआ है उसको आप कंज्यूम कीजिए उसको आप देखिए आप अपने हिसाब से क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो भी स्ट्रेटजी होती है जो भी बेस्ट प्लानिंग होती है वो मैंने शेयर की है तो आप उस हिसाब से अगर आपको ठीक लगता है या फिर आपने उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन किया है तो मॉडिफ़िकेशन के हिसाब से अपना जो भी कंटेंट आपको चाहिए ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है तीन प्लस वीडियो क्लासें हैं जो कि ऐसा नहीं है कि पाँच पाँच मिनट दो दो मिनट की है लगभग हर क्लास आपको एवरेज चालीस मिनट की मिल जाएगी तो तीन सौ से ज़्यादा क्लासें पढ़ी हुई है आप उनका इस्तेमाल कीजिए ग्रामर के वीडियोज़ है किताबों के व्याख्यान के वीडियोज़ है और हिंदी साहित्य इतिहास के वीडियो है हिंदी साहित्य के बारे में सामान्य जानकारियों के वीडियो तथ्यात्मक कुछ वीडियो है वहाँ पे। उन सब को आप इस्तेमाल कीजिए देखिए और उनको आगे से आगे शेयर भी कीजिए चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए सभी को शुक्रिया अलविदा खैर